बिहार में कई नदियों के साथ गंडक भी कहर मचाए हुए है। मैं इस वक्त गंडक के उस धार में हूँ। ये चंपारण का इलाका है और चंपारण जो है गन्ना, गंडक और डाकुओं से जाना जाता है। चंपारण का इतिहास रहा है कि ब्लैक पैंथर जो अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो यहाँ पर चलाना पड़ा था। अब देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं कि जिधर भी नजर दौड़ाइए गन्ने की खेत है और गन्ने की पूरी खेत जो है वो पानी में अब लीन हो चुके हैं। आगे गांव है, लोग जो हैं कई दिनों से भूखे हैं, वहां तक जो है खाने के लिए कुछ नहीं पहुंच पा रहा है, पीने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। और इस बीच मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मुकेश जी, आप उस जगह जा रहे हैं कि इधर बिहार है उधर यूपी है और बीच में लोग फंसे हैं। ये तो निश्चित तौर पे ये बिहार का लास्ट बॉर्डर एरिया है और मुझे लगता है कि पटना का नज़र इधर इस एरिया में ज़्यादा नहीं पड़ पाता, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार बेतिया की इधर जाके और लोगों को मदद करना चाहिए। हमारी पार्टी के तरफ से निरंतर सब लोगों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है इधर, खास करके मोतिहारी, बेतिया, ये सब में। आज मैं नौतन में आया हूँ और जो फंसे हुए लोग हैं वो सब पीड़ित है, उन लोगों से जा रहा हूँ, मिलूंगा और जितना भी हो सकता है उन लोगों को खाने पीने का सामान उनको मुहैया कराना है। आज इसके लिए आज हम लोग बेतिया में आए, कल मुजफ्फरपुर में रहेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जिला में कार्यक्रम अलग से जारी है। कितना कठिन है इस जगह पर आना क्योंकि चारों तरफ दरिया ही दरिया है। कठिन तो हमारे लिए तो एक दिन का है, लेकिन हमें तकलीफ इस बात का है कि हमारे बिहार के वासी हर साल इस चीज का परिस्थिति का सामना करना पड़ता है उनको। और इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, मैं एक दिन के लिए मैं सोचने के लिए मजबूर हो जा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ के लोग रह रहे हैं और उनको 365 दिन में तकरीबन 2-3 महीना हमेशा इस तरीके का बिताना पड़ता है। ये बहुत कठिन है, तो इसके लिए सरकार के ऊपर से मतलब बेहतर क्या सुविधा किया जा सकता, ऊंचे जगह पे लोगों को बसाया जाए, इस तरीके का सरकार को स्कीम लाना चाहिए ताकि हर साल जो पीड़ित होते हैं, लोग परेशान होते हैं, उनको इस तरीके का संकट का सामना कभी ना करना पड़े। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान दे, खास करके इधर भी और कोसी में भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे बाढ़ का कहर हमेशा हर साल लोगों को परेशान करता है। आज़ादी के बाद देखा जाए कई सरकारें आई, आप जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं यहाँ से नेता मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। हाँ, तो इधर तो मैं आया हूँ तो रोड का भी कनेक्टिंग बहुत सही नहीं है और यहाँ पे ये सब एरिया के लिए पुल वगैरह सबका व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन खैर सरकार का नज़र क्यों नहीं पड़ पाया वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप लोग को बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हम लोग अभी सत्ता में आने से पहले हर जगह जगह पे घूम रहे हैं और जा रहे हैं, जहाँ जरूरी हमें नज़र आएगा आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को हमेशा जो परेशानी होता उसका सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 5 घंटे में बिहार के हम किसी कोना में चले जाएंगे, आपको यहाँ आने में कितना देर लगा और आप कितना देर में पहुंच जाइएगा वहाँ तक? जहाँ लोग गाड़ी से यहाँ पे आने में हमें 4 घंटा लग गया, तो 5 घंटा का तो कल्पना ही नहीं कीजिए अभी। तो जिस तरीके से रास्ता भी खराब है, जिस तरीके से परेशानी है, तो मुझे लगता है अभी आज की तारीख में 8-9 घंटे में भी हम पटना नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ से। तो सिर्फ आपको भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, किसी का सुनते कहाँ है, अपने मंजिल से जो मन होता है वो करते हैं, जो मन है तो वो बोलते हैं, तो खैर उस पर हम लोग ज़्यादा क्या बात करेंगे। अभी तो हम लोग जो बाहर पीड़ित जो लोग हैं हमारे बिहार के प्रवासी हमारे साथी, उन लोगों को हम लोग मदद करने के लिए पहुँचे हैं, बस यही एक लक्ष्य है, लोगों को जितना हो सकता उतना हमारी पार्टी की तरफ से लोगों को मदद करें। अभी कितने जिलों का आपने दौरा किया और कितने जिलों में करना है? लगातार हमारा जारी है जिला का, अभी मैं कल मुजफ्फरपुर में हूँ, उसके बाद सहरसा में मेरा कार्यक्रम होगा, उसी तरीके से अभी अलग अलग डेट में सब जगह का शेड्यूल बना है और लगभग में हमारा 17-18 जिला जो होगा खास करके कोसी में उस पर हमारा ज्यादा जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके है जाएंगे। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मुख्य दरिया है हम सामने दिखा रहे हैं और ये एक दरिया नहीं है, ऐसे जो है 3-4 दरिया है और उसके बाद जो है उस भाग में यूपी है तो इस भाग में गोपालगंज है। तो ये हालात हैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले बेतिया के नौतन का।
तो देखिए लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, और मुकेश सहनी ने भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ आने के बाद ये जरूर महसूस हो रहा है कि अभी तक उन बाढ़ पीड़ितों के पास सरकार ने कोई खाने पीने के सामान अभी तक नहीं भेजे। सूरज अब ढलने को है और जो बाढ़ में जो प्रभावित लोग हैं वो नाव से पखनहा बेतिया के पखनहा में आए हुए थे, और क्योंकि बैजुआ का इलाका जो है नौतन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। गंडक नदी के कहर के कारण गंडक नदी ने पूरी तरह से उसको टापू बना दिया है, और जो लोग हैं खाने पीने के सामान लेने आए हुए थे अब शाम में अपने घरों को जा रहे हैं। प्रतिदिन यही लगा हुआ है, और यूं कहें आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जो हाल था वो अब भी इसी प्रकार है। कितनी सरकारें आईं और गईं लेकिन इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। बरसात आता है इनके फसल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, साथ ही इन्हें खाने पीने की सामान तक की तकलीफें हो जाती हैं। घर है छोड़ के जा नहीं सकते हैं, यही कारण है शहर आते हैं और शहर से फिर इस नाव से शाम को अपने घर जाते हैं। आज हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं, देखते हैं कि रात तक लौट पाते हैं या कल हम लौट पाएंगे। जानते हैं क्या तकलीफें हैं इन लोगों की, क्या बातें, क्या दिक्कत है इधर? खाने पीने की बहुत दिक्कत है, बस सामान वामान वगैरह वगैरह पीने के लिए बेच दिया। बाढ़ आता है, कितना समस्या है इधर? समस्या है जैसे पानी आप देख भी कर रहे हैं क्या कितना पानी है, आने जाने का दिक्कत भी होता है, खाने पीने का सब कुछ दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। जैसे आप देख भी रहे हैं कितना दिक्कत हो रहा है, कितना पानी से पूरा भरा हुआ है। इसमें सबसे पहली है बात है कि यहाँ पर तीन चार गो नदिया के उस पार में जमीन ऐसी है, लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को आवागमन बिल्कुल मैंने बंद है, और उसे खाने पीने के लिए बहुत लोग मैंने भूख कितने लोग भूखे सो जाते हैं, कितने लोग को पानी समय से नहीं मिलता है। तो आज मैंने बहुत कठिनाई होती है कि इस नज़ारा को देख करके आप देख रहे हैं कि जो चार चार नदियां हैं जो नदियां को पार करके हम लोग जा रहे हैं उन लोगों से मिलने के लिए। आप तो खुद देख लीजिएगा कि जे क्या एक चीज बताइए, जब आप आते हैं रोज आते जाते हैं इस तरह? जी देखिए बाढ़ का बहुत कठिनाई से हम लोग नाव से बहुत कठिनाई से मिलता है ना, वो उधर रहते हैं हम लोग तो महंगा सामान उधर बहुत सारा मिलता है, खाना पीना में बहुत दिक्कत है उधर, खाने पीने की काफी दिक्कत है। जी तो क्या आप लोग रोज आते जाते हैं? नहीं चार दिन पाँच दिन पर आते जाते हैं। चार दिन पाँच दिन पर आते? जी कितना पैसा देना पड़ता है आने जाने? किराया कितना देना पड़ता है? क्या क्या परेशानियां होती यहाँ जो सर है? यहाँ जो है सर आप देख सकते हैं कि सारे पानी से भरी हुई है, और परेशानियां तो यहाँ लोग के लोगों को बहुत है, जिस कारण हम लोग को जो है लगभग 150 किलोमीटर दूर से चल के आना पड़ा है यहाँ के लोगों को। एक चीज आपको हम देख सकते हैं कि कितने जो लोग हैं वो हैं यहाँ पर, और समस्याएं काफी हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं मुजफ्फरपुर। कितने बड़ी समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ के हम बाहर के हैं। जी जी समस्या है, और बहुत समस्या है। क्या? जैसे कि फसल हर साल बर्बाद हो जाता है, लोगों का आने जाने में दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ की लोगों की जो दूरी है, दूरी डिस्टेंस है दूरी का, उसको में बहुत ज्यादा दूरी दिक्कत होता है। अगर इस पर बांध बन जाता तो लोगों के आने जाने में बहुत सुविधा होता। ना बांध अगर बन जाता तो और समस्या। शहर से आने में भी आप लोगों को काफी समस्या होती है। जी से यहाँ तक आप पकड़ा तक तो ठीक ठाक है, लेकिन पकड़ा तक आप आते हैं तब तो दिक्कत है ना? थोड़ा थोड़ा दिक्कत है रोड को लेकर,
शहर से अगर आते हैं तो रोड के लेकर थोड़ा दिक्कत है। यहाँ जो पानी पूरा लगा हुआ है कितने दिनों तक रहता है? ये लगभग इस समय पानी है तो तीन या चार महीने तक या इसी तरह पानी रहेगा। तीन चार महीने तक रहेगा। हाँ। क्या समस्या आती है, कैसे आते जाते हैं? कैसे आते जाते हैं? हम लोग तो यहाँ का है ना है, ठीक है। हम जो है यहाँ अभी नया आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का परिस्थिति देखते हुए सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि इसको बंद। एक मिनट, हम नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, कई स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आजादी के बाद देखा जाए तो समस्या, आजादी से पहले भी यही समस्याएं थी। कितना पंचायत है जो डूबा हुआ है इस एरिया में, और किस तरह से लोग कठिनाई में? यहाँ पर कम से कम 7-8 पंचायत जो है एकदम बाढ़ के चपेट में है। बाकी जो बैरिया प्रखंड में 7 को पंचायत है कि अभी बाढ़ के चपेट में है। बैजुआ, गोबरही, आपको नौतन होते हुए यहाँ वहाँ तक पूरा पड़ेगा। पूर्वी चंपारण से तो कंटेक्टे है। जो समस्या है यहाँ तो बहुत समस्या है। लगभग 3-3.5 महीना तो बिना नाव के कोई रोडे नहीं है। अगर शहर से गांव तक जाना है तो नाव के अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई रोड नहीं है। और हम चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, और लोगों से जानेंगे तो किस तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आ रही हैं। आपसे जानेंगे कि कितना पंचायत जो है पानी में जो है वो डूबा हुआ है, समस्याएं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिया का गंडक क्षेत्र में रहने वाला पंचायत, करीबन कम से कम 8 या 9 पंचायत जो है अभी ये गंडक की चपेट में है। सबसे बड़ी बात है कि ये पश्चिम चंपारण जिला जो क्षेत्र है यहाँ से सटे नेपाल है, और नेपाल से हमेशा गंडक नदी में बाढ़ का स्थिति जब बनता है तो यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन आज के समय में जो बाढ़ का पानी यहाँ मौजूद है ये 30 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस 30 वर्षों के रिकॉर्ड में यहाँ के लोगों का जितना भी फसल गन्ना लगा हुआ था, धान लगा हुआ था, सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी हम लोग बैरिया प्रखंड के क्षेत्र में हैं जो पश्चिम चंपारण जिले में है, और यहाँ 7 से 8 पंचायत जो है प्रभावित है। 20 दिन हो गया बाढ़ को। हाँ, 20 दिन बाढ़ को हो गया यहाँ। कितना दिन के है? 2 महीने से ज्यादा है वाली सर। पानी है यहाँ, इधर पानी छठी वाली सर। चाचा, बाढ़ कितना दिन से आई है? बाढ़ 22 दिन से ऊपर हो गए। 22 दिन से ऊपर हो गए। क्या क्या परेशानी रहे बाढ़ में? बहुत परेशानी बटे। कितना परेशानी है? हम निकल हर साल तो तरह हो जाते हैं। केहू पूछे यार नेता नहीं खेते। हाँ, ये गरीब देखा होता कहीं दूर दूर जमीन मिली कि ना मिली। हाँ, खैले भी नहीं लड़का मुँह तारे सब हम निकल मुँह तानी सब कहे कर दे। कहाँ से फायदा बटे? आज लोग धीरे में रहती तो सरकार जो भैल बा फायदा नहीं तो धीरे में रहती हमने के। हाँ, रहेगा इतना जमीन नहीं खे। हाँ, भाग पर साग सब्जी कीन के जाता नहीं सब घरे दे लड़का रोबत हुई सब। हाँ, दोसर कार कौन बा? कोई साहब सुबह हमने के जान मान कोई उखरागन जानते नहीं थे। हाँ, कोई साहब भाई दे हमने के दू कड़ा जमीन दे हल खाए गल अंक दे हल कौन साहब भाई? हाँ, उखरागन मानते नहीं हमने के। अब बड़का साहब हो कहता है झांकी ना पारे ला हमने लगे तो कहना काम कौन साहब झांकी ना कर पाए? कौन साहब झांकी ना कर पाए? केहू माने साहब हो के तो हमने केकरा छीन तानी सब। हाँ, जे हमने के जान मान करो ओकरा कन चिन्हत नहीं सने। हाँ, कोई नेता आयल तो हमने के कौन नेता के चिन्हत नहीं ना। हाँ, अब हम के को नहीं चिन्ह। अब फूल बंद के करा चिन्ह के। हालात ऐसे हैं कि लोग जो हैं ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेता को भी नहीं पहचान पाते हैं। तब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है स्थिति उत्पन्न है, किस तरह से जो लोग है साक्षर नहीं है, लोग जानकार नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे राज्य के नेता प्रतिपक्ष कौन है, हमारे विधायक कौन है, इन्हें पता नहीं है। और ये लोग वोट देते हैं, इसलिए वोट देते हैं कि सरकार बने। लेकिन सरकार बनती है तो फिर जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो
जनप्रतिनिधि हैं वो इन्हें इसी हाल में छोड़ देते हैं और प्रतिवर्ष ये उसी बाढ़ की विनाश लीला में एक टापू में रह जाते हैं। और जब पैसे होते हैं, समय मिलता है, सुविधाएं ना आती हैं, तो ये बेतिया की तरफ रुख करते हैं, कुछ अनाज लेते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर। और लाख दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को राहत मिल रहा है, लेकिन हकीकत यही है। इस गंडक में हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए दो तरफ तस्वीरें दो आपको दिखाई देंगी। वो आपको जो काले काले जो दिख रहे हैं पानी में, जो वो जो है वो पशु है और वो भैंस है। भैंस जो है इस बाढ़ में फंस गई है, उनको लाने गया गया था। अब देखिए दूसरी तस्वीर, किस तरह से नाव पर है, पशुओं के लिए चारा लाया जा रहा है। और देखिए भैंस जो है पूरी तरह से डूब चुकी है और बस उसके सिर दिखाई दे रहे हैं और उन भैंसों को जो है लाया जा रहा है। स्थिति यह है कि पशुओं के लिए चारे तक नहीं है, पशु जो हैं इस बाढ़ में फंस गए हैं और लोग जो हैं अब उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। तो लगातार जो है इस तरह की परिस्थितियां इस चंपारण के इलाके में बनी हुई हैं और ऐसी जो खबरें हैं हम आपके पास ला रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आप जो आराम से अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ में जो परिवार डूब चुका है, इस बाढ़ में जो परिवार फंस चुका है, जिनके लिए खाने के लिए नहीं है, पशु के लिए नहीं है, उन पशुओं को लोग अब लेकर उन गांवों से इसी बाढ़ में अब जो किनारा है, जो ऊंचे स्थान है, वहां लाने जा रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, बेतिया।